लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या मेनोपॉज में सेक्स करना दर्दनाक होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेनोपॉज के दौरान कई तरह की समस्याएं महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं। इसमें हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट, मूड स्विंग आदि शामिल हैं। यहाँ तक कि माना जाता है कि मेनोपॉज की वजह से महिलाओं को लो सेक्स ड्राइव का भी सामना करना पड़ता है। जाहिर है कि ऐसा होने पर महिलाओं की मैरिड लाइफ पर निगेटिव असर पड़ सकता है। यही नहीं, कुछ महिलाओं को मेनोपॉज की वजह से सेक्स के दौरान दर्द का भी सामना करना पड़ता है। क्या मेनोपॉज में सेक्स करना दर्दनाक होता है? जैसा कि यह स्पष्ट है कि मेनोपॉज की वजह से लो सेक्स ड्राइव की समस्या होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेनोपॉज के कारण महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होने लगता है, खासकर एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में तेजी से कमी आने लगती है। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो महिलाओं को वजाइन लुब्रिकेशन में मदद करता है। ऐसे में एक कहा जा सकता है कि कुछ महिलाओं के लिए मेनोपॉज के बाद सेक्स के दौरान सॉरी सेक्स के दौरान दर्द का सामना करना पड़ता है और ये पूरी तरह सामान्य है। हाँ, अगर दर्द बहुत ज्यादा होता है तो बेहतर होगा कि आप शारीरिक संबंध बनाने से बचें। लेकिन आपको बता दें कि मेनोपॉज के बाद इंटीमेसी को अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाया जाना चाहिए। इससे ब्लड फ्लो में सुधार होता है, जिससे वजाइनल हेल्थ बेहतर होती है। मेनोपॉज के बाद सेक्स को सहज कैसे बनाएं? लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन के स्तर में कमी के कारण महिलाओं की योनि में ड्राइनेस की समस्या हो सकती है। ऐसे में सेक्स एक पेनफुल एक्टिविटी हो सकती है। वहीं अगर महिलाएं शारीरिक संबंध बनाने से पहले लुब्रिकेंट का उपयोग करती हैं तो उनके लिए एक क्रिया सहज हो सकती है। मॉइस्चराइज का उपयोग करें। मेनोपॉज के बाद वजाइनल ड्राइनेस को दूर करने के लिए आप मॉइस्चराइजर का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन इस संबंध में बेहतर होगा कि आप किसी लेडी डॉक्टर से अपने को दिखा के एडवाइस लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसके बाद ही किसी मॉइस्चराइज को अप्लाई करें। ओरल एस्ट्रोजन लें। ओरल एस्ट्रोजन भी वजाइनल ड्राइनेस को दूर करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसे आप खुद से ना खरीदें। जब योनि में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ओरल एस्ट्रोजन सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।